बिलासपुर में पार्टनरशिप में काम करे के दौरान दोस्त ह फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्म के रजिस्ट्रेशन रद्द करा दी। ओकर बाद बेटा के नाम में ही वही फर्म के रजिस्ट्रेशन करा के खुद ठेकेदारी करे लगी। पुलिस अ मामला में धोखाधड़ी के जुर्म दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सिंगरौली मध्य प्रदेश निवासी गुप्तेश्वर नाथ चौधरी ठेकेदार के काम करते। काम ज्यादा होए के कारण अपन दोस्त रामेश्वर साहू ला एनटीपीसी सीपत और कोरबा के काम सौंप दीस। दोनों एक ही फर्म के नाम में ठेका लेवत रहीस। पार्टनरशिप में ठेकेदारी करैया दोस्त ठेकेदार ला धोखा दे दीस। फर्जी हस्ताक्षर के जरिए पार्टनरशिप खत्म होए के एग्रीमेंट बनवा लीस और अपन दोस्त ला एक साल पहले ही ठेकेदारी से निकाल दिए रहीस। मामला के जानकारी लगत ही ठेकेदार है एकर शिकायत एनटीपीसी समेत सिविल लाइन थाना में दर्ज कराईस। पीड़ित गुप्तेश्वर नाथ के शिकायत में सिविल लाइन पुलिस आरोपी मन के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दिए। जीएन चौधरी और रामेश्वर साहब दोनों मिलकर काम करते थे एनटीपीसी में, अलग अलग संस्थानों में, मतलब पूरे एनटीपीसी में काम करते थे घूम घूम करके चारों तरफ। यहाँ पर 2001 से हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे पहले, मतलब जो दोनों मिलकर के एनटीपीसी में सिपत से काम शुरू किए और काम मतलब जैसे ज़्यादा बढ़ते गया। यहाँ पर 2009 तक हम कंटिन्यूस रहे यहाँ पर है बिलासपुर में, और इसके बाद में हम चले गए उधर में, काम उधर ज़्यादा था तो उधर में मतलब बोले जी यहाँ काम है, आप इधर देख लीजिए। बाकी आते जाते रहेंगे दोनों साइड पर हम लोग, फिर आते जाते रहे। लेकिन 2015 से मतलब उधर ज़्यादा काम होने से थोड़ा सा समय उधर हमको ज़्यादा लगता था, तो बोले इधर में आप हैं तो आप थोड़ा सा देखते रहिए, बाकी आप आते जाते रहिए। लेकिन बाद में क्या कि 2017 से मतलब अपना इधर उधर करने लगे। जो सिंगरौली निवासी गुप्तेश्वर नाथ चौधरी और इनका पार्टनर रामेश्वर साहू, जो वो भी सिंगरौली के ही हैं, इन दोनों के द्वारा एनटीपीसी पे ठेकेदारी का काम के लिए एक फर्म लिए हुए हैं और उस फर्म पर दोनों मिलकर टेंडर लेके संयुक्त रूप से काम करते हैं। इनका काम जो है वो एनटीपीसी, जहाँ जहाँ एनटीपीसी है, सिंगरौली हो गया, रिहन नगर, सिपत, कोरबा, यहाँ पर इनका वर्क चलता है। उक्त वर्क जो है इनको ज़्यादा अत्यधिक काम मिलने पर 2015 में प्रार्थी के द्वारा